गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, पहला लेक्चर है, ठीक है। नाइन्थ का साइंस का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो इस लॉज ऑफ मोशन में देखो, तुम एट स्टैंडर्ड से नाइन्थ स्टैंडर्ड में आए हो, थोड़ा सा लेवल बढ़ा है, तो हमें कुछ ऐसी बातें मैं लेसन में सीधे इन्वॉल्व होने से पहले कि जो उसमें छोटे छोटे टर्म्स हैं, जैसे डिस्टेंस हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेलोसिटी हुआ और एक्सेलरेशन, ये क्या होता है इसके बारे में तुम्हें मैं बहुत अच्छे से बता दूँ, क्योंकि आज नाइन्थ स्टैंडर्ड में जब तुम इस टॉपिक को पढ़ोगे, यही आगे टेंथ में तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। अगर नाइन्थ में तुमने सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिए तो टेंथ में तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम नाइन्थ से ही क्या करते हैं, अपने बेस को एकदम स्ट्रांग करते हैं। बेस अगर स्ट्रांग हो गया तो तुम्हें साइंस बहुत ईजी जाएगा, तो हमें समझ के पढ़ना है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, लॉज पे हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले डिस्टेंस क्या होता है। अब डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं ना यार डिस्टेंस मतलब दूरी होती, यहाँ से कितना, देखो कोई चीज़ होती बहुत दूर होता है, हम लोग कह सकते यार बहुत दूर है, अरे बहुत पास है, मतलब डिस्टेंस वो कितना दूर है, यहाँ से विरार कितना दूर होगा, यहाँ से पालघर कितना दूर होगा, यहाँ से कालूखट्टा कितना दूर होगा, यहाँ से, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस मतलब अगर मैं चल के कहीं जा रहा हूँ, चल के मैं यहाँ पे आया तो मैंने कितनी दूरी तय की, मैं कितना डिस्टेंस मतलब वो रास्ता तय किया, तो दूरी वहाँ से यहाँ तक, ये जो दूरी है उसको पाथ बोलते हैं, पाद नहीं पाथ। वर्ड, मेरे वर्ड सुनो अच्छे से, PATH, पाथ मतलब वो जो मैं चला हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज अ पाथ। तो मैंने कितना, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ से चल रहा हूँ और मैं यहाँ पे आके रुक गया, मतलब ये जो यू नो जो दूरी मैंने तय की वो है तुम्हारा डिस्टेंस, उसको हम नापते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसकी लेंथ, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखो, इसे मैं तुम्हें तुरंत याद करवा दूंगा। जैसे यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है, अब ये बंदा यहाँ से होकर यहाँ पे जाने वाला है, यहाँ पे मान लो उसकी जो भी है एक घर ले लेते छोटा सा, चलो एज एग्जाम्पल, ठीक है। अब उसको उसके घर में जाना है बंदे को, तो वो बंदा यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, आ गया घर पे। ये बंदा यहाँ से वहाँ गया, ये था 10 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ गया, ये था 4 मीटर। तो बंदा यहाँ से निकला, देखो बंदा, अरे कहाँ है, अब ये बंदा यहाँ से यहाँ पे गया, फिर वहाँ से यहाँ पे आ गया, तो 10 मीटर और 4 मीटर टोटल कितना हो गया, 14 मीटर वो चला, तो वो 14 मीटर उसकी दूरी है, 14 मीटर क्या उसका डिस्टेंस है। लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, वो एक्चुअल कितना चला, यहाँ से ऐसे फिर यहाँ से ऐसे, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट। ये बंदा कौन था, ऑब्जेक्ट था, और ये ऑब्जेक्ट ऐसे चला यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, तो ये जो दूरी है वही क्या है, डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। तो व्हाट इज डिस्टेंस, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, पाथ ट्रैवल कर रहा है, उसकी जो लेंथ होगी वही क्या होगा, डिस्टेंस, वही क्या होगा, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस जो होता है उसकी खासियत, ठीक है, डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में, किसमें, मीटर में, इट इज मेजर इन मीटर। तो मैं बोलता हूँ सिर्फ डिस्टेंस का डेफिनेशन तुम्हें याद होना चाहिए। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है, तो हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, देखो बताता हूँ। अब यहाँ पे है ताजमहल, ठीक है, और यहाँ पर है कुतुब मीनार, यहाँ पे ताजमहल है, यहाँ पे कुतुब मीनार है। अब एक बंदा ताजमहल से देखो कहाँ कहाँ जा रहा है, ऐसे फिर ऐसे फिर यहाँ पे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे फिर सीधे कुतुब मीनार। अब तुम कहोगे अरे यार ताजमहल से कुतुब मीनार जाने के लिए वो कहाँ कहाँ गया, देखो इसे बोलता हूँ ए बी सी डी ई एफ
GHI, फिर वहां पे पहुंचा, ठीक है, कुतुब मीनार की तरफ। तो बंदा कहा ताजमहल से निकला, ए पे गया, बी पे गया, सी पे गया, डी पे, ई, इतना दूरी चल रहा है वो, उससे लेना देना नहीं है। वो बंदा कहां से निकला और कहां पे पहुंचा, उसके बीच की कम से कम दूरी, तो कम से कम दूरी यही हो सकती है, सबसे कम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, यही है ना। तो इसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि उसने स्टार्ट कहां से किया, ताजमहल पे, दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, जिसे मैं कहूंगा स्टार्टिंग, स्टार्ट यहां से किया और फिनिश कहां पे किया, कुतुब मीनार पे, यहां पे, यहां ये फिनिशिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, फिनिशिंग पॉइंट, तो उसके बीच जो दूरी है, स्टार्ट और फिनिश, मतलब कहां से निकला और कहां पे जाके रुकने वाला है, उसके बीच की दूरी जो कम से कम होगी वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये कम से कम का मतलब होता है मिनिमम, कम से कम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट ताजमहल एंड फिनिशिंग पॉइंट कुतुब मीनार। ये ताजमहल कुतुब मीनार तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्ले। तो समझ में आया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस मतलब वो जहां जहां चला है वो सब लेंथ को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो डिस्टेंस बनेगा, पर डिस्प्लेसमेंट कहां से निकला और कहां पहुंचा उसके बीच की दूरी होगा डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? अब ध्यान देना, इसमें बताना मुझे, ए बी और सी, बंदा ए पे था और सी पे जाना है उसको, वो ए से बी जाएगा फिर बी से सी जाएगा, डायरेक्ट ए से सी भी जा सकता है, तो कम से कम दूरी कौन सी है, ए से सी, तो ये छोटी जो दूरी है, देखो बड़ा है, अगर मैं इसको समझो, इसको लेता हूँ 10 मीटर, इसको लेता हूँ 5 मीटर, और ये जो है इसको लेता हूँ, इसी मान के चलो अंदाजे ऐसे पाँच और सहना पर मैं होता 7 मीटर एज एग्जाम्पल। अब ये 10 मीटर, ये 5 मीटर, तो ए से बी 5, बी से सी 10, टोटल कितना हो गया 15 मीटर, बट 7 मीटर छोटा है 15 बड़ा है, तो ये कम से कम दूरी जो होगी मिनिमम वो होगा डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या होगा, ए से बी 5, बी से सी 10, मतलब 15 मीटर क्या होगा उसका डिस्टेंस, और ये जो 7 मीटर होगा क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखना, बस तुम्हें इतना याद रखना है कि तुम्हें अब और एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूं, तुम्हारा घर है, ठीक है, यहां पे तुम्हारा घर है, ठीक है, और बीच में एक दीवार है मान लो, अब इस तरफ तुम हो, ठीक है, तुम्हें यहां पे आना है, तो ये यहां से रास्ता गया है ऐसे, फिर ऐसे होके यहां पे पहुंचोगे, तो ये डिस्टेंस हो गया डिस्प्लेसमेंट, पास में ये ना घर, ये तुम हो, ये तुम्हारा घर, इसके बीच की दूरी यार बहुत कम है, पर घूम के जाना पड़ता है, बीच में करते हो समझो दीवार है उस तरफ घर है, तो रास्ता तो हमें घूम के ऐसे जाना पड़ता है, तो ज्यादा टाइम लगता है कि नहीं, वो डिस्टेंस हो गया, पर दीवार की उस तरफ कूद के चले जाओ वो तो पास में घर आ जाएगा, तो कम से कम दूरी क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब आते हैं वेलोसिटी पे। वेलोसिटी का मतलब अगर कोई चीज मोशन में हो, चल रही हो, चल रहा हूं, वेलोसिटी तुमने देखा होगा रास्ते पे गाड़ियां चलती हैं, ट्रेनें चलती हैं, प्लेन चलते हैं, गाड़ी, कोई गाड़ी स्लो जा रही है, कोई गाड़ी बहुत फास्ट जाती है, देखा होगा ना तुमने, प्लेन को देखो स्पीड में, ट्रेन देखो, कोई ट्रेन एकदम पैसेंजर जैसा स्लो चलती है, कोई राजधानी एक्सप्रेस, बुलेट ट्रेन, नाम से ही पता होगा कितना खतरनाक, तो वो मोशन, वो स्पीड, उसको होते वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि कोई चीज अपनी जगह बदल रही है, अब उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कोई मुझे स्टैचू बोल दिया तो मैं खड़ा ही रहूँगा ना, ओवर दिया तो मैं चलता हूँ, मैं एक जगह से दूसरी जगह आया, यहाँ से यहाँ पर आने के लिए मुझे टाइम लग रहा है कि नहीं, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और मुझे टाइम भी लग रहा है, तो मेरे अंदर क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा, मोशन आएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑकर इन यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट ऑकर इन यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट ऑकर इन यूनिट टाइम, मतलब यहाँ पर जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको टाइम लगता है, उसको बोलते हैं वेलोसिटी। मतलब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ, मुझे टाइम लग रहा है, तो मेरे अंदर क्या आएगी, स्पीड आएगी ना, उसको बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी।
ठीक है। अब इसमें डायरेक्शन होता नहीं होता वो सब बाद में बात करेंगे जब मैं तुम्हें डिफरेंस दूंगा, ठीक है। अब और एक है इसमें स्पीड, स्पीड स्पीड जब आएगा तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, क्या आएगा? डिस्टेंस ऑकरिंग यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। वेलोसिटी और स्पीड दोनों अलग अलग बातें। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है, स्पीड में क्या आएगा? डिस्टेंस। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड मतलब देखा होगा तुमने एकदम स्पाइक की स्पीड, बोलते ना यार क्या स्पीड है। डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम मतलब वो यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है उसको बोलते हैं स्पीड, और वो यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट लेता है उसको बोलते हैं वेलोसिटी। तो सर वेलोसिटी स्पीड में क्या डिफरेंस है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, वो मैं तुम्हें अलग लेक्चर में बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से। फिलहाल तो तुम्हें अभी डेफिनेशन इसकी याद करने कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और स्पीड। अब आते हैं एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन मतलब गाड़ी चलाते हो तुम तो एक एक्सेलरेटर होता है, गाड़ी जा रही 10 की स्पीड है, मुझे जल्दी पहुंचना है तो मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, तो मैं ऐसे करता हूं मतलब मैं अपनी स्पीड को चेंज करता हूं। क्या करता हूं मैं? स्पीड को चेंज मतलब अपनी वेलोसिटी को चेंज करता हूं। तो चेंज इन वेलोसिटी, क्या बोला मैंने? चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, टाइम के हिसाब से। तो क्या आता है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेटर होता है ना, मतलब तुम गाड़ी लेके जा रहे हो, स्लो जा रहे हो और जल्दी पहुंचना है, तुम फास्ट करते हो तो झटका लगता है कि नहीं गाड़ी को, मतलब तुमने वेलोसिटी को क्या किया? चेंज किया। तो चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब ही बोलते हैं ना चेंज कर रहे हैं स्पीड को। फैन चल रहा है, दो पे चल रहा है, तुम्हें गर्मी लग रही है तो तुम फैन फास्ट करोगे ना, तो रेगुलेटर घुमाते हो 2 से 3 पे करते हो, तो उसकी स्पीड को चेंज किया, उसकी वेलोसिटी को चेंज किया तुमने, तो उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। तो बच्चों तुम्हें क्या करना है, ये 1 2 3 4 5 ये 5 डेफिनेशन तुम्हें याद होनी चाहिए। तुम्हें इसे लिखना है अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो एक पॉइंट और उसका डेफिनेशन लिखना अच्छे से, नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें याद होना चाहिए। अगर ये याद होगा तो जाके अगला लेक्चर समझेगा, ठीक है।